आपने कई बार सुना होगा कि ये हड्डी पाई गई 5000 साल पुरानी, करोड़ों साल पुरानी हड्डियां पाई गई, 2000 साल पुरानी हड्डी पाई गई, 1000 साल पुरानी हड्डी पाई गई, करोड़ों साल पहले मरे हुए डायनासोर्स की हड्डियां पाई गई। पर ये लोग पता कैसे करते हैं कि कोई भी हड्डी कितने साल पुरानी है, कोई भी हड्डी मेल है या फिर फीमेल है या फिर एनिमल की है या फिर ह्यूमन की है? क्योंकि कंकाल तो उठ के नहीं बताता होगा ना कि मैं 5000 साल पहले मरा था, मैं एक आदमी था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन यह है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है एक स्केलेटन से कि वो स्केलेटन है क्या और वो कितने साल पुराना है, आज इसी के बारे में जानेंगे। तो जब भी कोई स्केलेटन मिलता है, सबसे पहले साइंटिस्ट को ये पता करना होता है कि ये जो स्केलेटन है वो एनिमल का है कि ह्यूमन का है। टेक्निकली हम भी एनिमल हैं, पर हम होमो सेपियंस हैं, इसीलिए मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, मैं हम लोगों को ह्यूमन बोलूंगा और ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको एनिमल्स बोलूंगा। तो स्केलेटन का साइज देख के पता चल जाता है कि वो एनिमल का है कि ह्यूमन का है। तो अब ह्यूमन का है तो पता कैसे चलता है कि जेंडर कौन सा है? तो हिप्स की विड्थ देख के पता चल आता है कि ये मेल है कि फीमेल। हिप्स मतलब हमारी जांग, तो जांग की चौड़ाई देख के पता चल जाता है कि ये मेल का स्केलेटन है कि फीमेल का स्केलेटन है, क्योंकि यहाँ पे मेजर डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल में, और बाकी बोन के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है मेल और फीमेल के। लेकिन जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने से मर गया, उसका जेंडर पता करना नियरली इम्पॉसिबल, नहीं इम्पॉसिबल ही होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि पता कैसे चला कि ह्यूमन है कि एनिमल है। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन है कि स्केलेटन कितने साल पुराना है, हजारों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है कि कितने साल पुराना है, तो इस बात को हम जान लेते हैं। तो जो हड्डियां होती हैं उनकी एज पता करने की टेक्निक को बोलते हैं कार्बन 14 डेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कार्बन 14 डेटिंग के बारे में। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज कार्बन 14, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटिंग। नहीं, वो वाली डेटिंग नहीं, कार्बन 12। कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं उसके एक एटम में। एटम क्या होता है, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं हम कार्बन 12। अब कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप जिसके एक एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे आइसोटोप को बोला जाता है कार्बन 14। तो कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और ये नेचुरली बनता है एटमोस्फियर में जब कॉस्मिक रेस कोलाइड करती है नाइट्रोजन गैस के एटम से। कॉस्मिक रेज वही होती हैं जो यूनिवर्स से आती हैं, नहीं मतलब सन से आती हैं कॉस्मिक रेज हमारी अर्थ पे, और उसी के कॉम्बिनेशन से बनता है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जब कार्बन 14 एटम मिल जाते हैं ऑक्सीजन से, वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं प्लांट, और जो ह्यूमन होते हैं वो खाते हैं प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को। तो टेक्निकली हर एक जीव के अंदर कार्बन 14 एटम होते हैं। अब जो कार्बन 14 एटम होता है उसका जो डिके मतलब उसका खराब होने का, खत्म होने का एक कांस्टेंट रेट होता है, और ये रेट बहुत ही ज्यादा स्लो होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो जो कार्बन 14 एटम है, साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि ये आधा खत्म होगा 5700 सालों में, मतलब 5700 ईयर्स में ये आधा खत्म होगा, और उसी टाइम में कार्बन 14 जो एटम होते हैं वो हमेशा बनते रहते हैं हमारे एटमोस्फेयर में। तो किसी भी चीज में जो कार्बन 14 एटम होगा वो फेयर अमाउंट में होगा जिसे हम उसकी एज पता कर सके। अब जब भी कोई जानवर मरता है तो वो कार्बन 14 एटम लेना बंद कर देता है, तो जो कार्बन 14 एटम जो उसके अंदर बचा वो डिके होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो कार्बन 12 होता है वो सेम रहता है, वो डिके नहीं होता। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो रेशियो को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 एटम के और कार्बन 14 एटम के, और उसी से निकालते हैं एक अप्रोक्सीमेट एज किसी भी एंशियंट बोन की या स्केलेटन की। तो जैसा कि मैंने बताया कार्बन 14 का आधा जीवन होता है 5700 सालों का, और इसका सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवन हो सकता है 60000 सालों तक। अब आपने ये जरूर सुना होगा कि जो डायनासोर्स थे वो करोड़ों साल पहले हुए थे, तो हमें ये कैसे पता चला कि वो करोड़ों साल पहले थे, क्योंकि हम तो अभी तक एज सिर्फ कार्बन 14 से पता कर रहे हैं और कार्बन 14 की एज 60000 सालों तक की है, तो हमें कैसे पता चला कि ये करोड़ों साल पुराने हैं? तो अब आगे सुनिए। तो कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो सिर्फ दुनिया में एक आइसोटोप नहीं है जो रेडियो एक्टिव है, ऐसे कई आइसोटोप हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और कार्बन से करोड़ों साल पहले पाए गए थे। और उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मैं नाम भी बता देता हूँ। उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के नाम है पोटेशियम 40, यूरेनियम 235,
यूरेनियम 238, थोरियम 232 एंड रुबिडियम 87। ये सब इनके नाम है इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस करके, जितने भी प्रोटॉन होंगे जितने भी न्यूट्रॉन होंगे आपस में प्लस कर दिया गया है, और जितनी भी वैल्यू आई है उसको लिख दिया गया है जो भी एलिमेंट है उनके सामने। ये सारे आइसोटोप है इन ओरिजिनल एलिमेंट्स के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्केलेटन्स की एज कैसे पता की जाती है, वो कार्बन 14 और कार्बन 12 एटम को कंपेयर करके निकाली जाती है। अब आपको पता चल गया होगा कि स्केलेटन्स की एज कैसे निकाली जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे पता है वीडियो छोटा है, पर क्या करें, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और इस साल टेंट बोर्ड है। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।